राधे राधे माधव कृष्ण में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ठाकुर जी के लिए प्यारी सी पोशाक। ये गर्मियों के लिए पोशाक है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी सी। इसका फैब्रिक हमारा बिल्कुल प्योर कॉटन का है और ये देखिए इसके जो इसमें डिज़ाइन है वो बहुत ही प्यारा सा है। मैंने इसे कॉम्बिनेशन डाला है, इस तरीके से यहाँ पे पाइपिंग डाली है साइड में और यहाँ पे नेफा बनाया है वो भी हमने दूसरे कलर का बनाया है। तो देखिए आइए आज मैं आपको ये वाली ड्रेस बनाना बताऊँगी। ये ड्रेस जो है ये 5 नंबर गोपाल जी के, मैं आपको 6 नंबर गोपाल जी की ड्रेस बनानी बताऊंगी। तो 5 नंबर का भी आपको मेजरमेंट बता दूंगी और 6 नंबर गोपाल जी का भी मेजरमेंट बताऊंगी। देखिए इसका लुक दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा है और मैंने यहाँ पर इस तरीके से देखिए वेलक्रो भी लगाई है। तो मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ। ये आगे से इसकी बिब बनाई है बहुत ही प्यारी सी और इसका जो लुक है इस तरीके से बांधने के बाद हमारे ठाकुर जी इस तरीके से पहनेंगे तो बहुत ही सुंदर ये ड्रेस लगने वाली है। ये देखिए इस तरीके से, तो देखिए इस तरीके से हम बैक साइड से देखिए, बैक साइड से हम यहाँ पे मैं वेलक्रो लगाती हूँ। यहाँ पे इस जगह यहाँ पे वेलक्रो लगा सकते हैं, टिच भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से देखिए इसके लुक, देखिए ये बैक साइड हमारे ठाकुर जी नेक पर इस तरीके से इसको बांधेंगे तो बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस का लुक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसी ड्रेस के बारे में बताऊंगी। ये देखिए इसका घेर है, आपने देखा इसकी जो इसकी बहुत ही प्यारी इसके लुक, देखिए जो इसका डिज़ाइन है, ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर जो मतलब प्लेन और प्रिंटेड डिज़ाइन है। तो मैं इसको आपको दिखाती हूँ, इसका घेर भी बताती हूँ आपको, इसके बारे में बताती हूँ। तो देखिए इसका मेजरमेंट है, इस वाली ड्रेस का जो मेजरमेंट है ये देखिए मैं आपको यहाँ से स्टार्टिंग से बताती हूँ। जो इसका तैयार यहाँ पर इस तरीके से पूरी जो इसकी तैयारी है यहाँ पे नेफे की, ये 5 इंच है, 5 इंच है, क्योंकि यहाँ पे जो वेल्क्रो लगी है वेल्क्रो में आधा इंच चला जाता है। जो ठाकुर जी की कमर के अकॉर्डिंग ये पूरा तैयार करना होता है, तो इस तरीके से ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। तो वेल्क्रो में आधा इंच दोनों साइड से चला जाता है। जो इसकी लेंथ है जो पूरी ड्रेस की लेंथ है यहाँ पर ये देखिए 3 इंच तैयार की, 3 इंच इस तरीके से 2 पॉइंट जाता है, जो नेफे को जोड़ते हैं तो 2 इंच थोड़ी ज़्यादा है। तो इस ड्रेस का मैंने बताया, अब आइए अब ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे मैं आपको फैब्रिक दिखाना चाहती हूँ, ये वाला फैब्रिक है जो ही हमने ड्रेस बनाई है, ये वाली फैब्रिक में से बनाई है। तो देखिए कितना डिफरेंट लग रही है ड्रेस में और ये फैब्रिक आपको मैंने पूरा दिखाया है। इसके फैब्रिक का जो डिज़ाइन से है इस तरीके से पूरा तैयार कपड़ा है और ड्रेस बनने के बाद हमारी ये लुक आई है। तो मैं इसी फैब्रिक में से ड्रेस बनाऊंगी। तो मैं इससे पट्टी कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे पट्टी कट कर ली है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। जो स्टार्टिंग कपड़े की जो लुक है ये लुक है इस कपड़े की है, जो कि बनने के बाद ये वाली लुक आती है। तो इस तरीके से आपने देखा क्या डिफरेंस है ड्रेस बनने के बाद और बनने से पहले कपड़े की। तो ये मैंने आपको दिखाया जो इसमें फ़र्क है। अब ये मैंने कहा इसमें पट्टी कट कर ली, मैं इसको भी मेजरमेंट बता देती हूँ। मैंने जो लिया इसके यहाँ पर जो मेजरमेंट ये वाला, तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ से ये वाला जो हम लिया 4 इंच का है और इधर से जो मैं इंचेस लिया है तो ये देखिए 17 इंचेस है, यानी कि 34 इंचेस। इसको डबल पट्टी मैंने इसको आपको दिखाया, ये उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। तो आइए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं, स्टिच करना शुरू करते हैं। स्टिच हम कैसे करेंगे, यहाँ से ये जो यहाँ से कटिंग होती है तो दोनों साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे और नीचे से जितना हमने मार्जिन के लिए कपड़ा लिया उसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए आपने देखा मैंने सिलाई कर लिया, यहाँ से दोनों साइड से भी किया और नीचे से भी फोल्ड कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लेट्स तैयार करनी है। तो प्लेट्स हमें यहाँ पे ये काफ़ी इसमें लेंथी पट्टी ली है और जो हमें अपने ठाकुर जी की कमर के अकॉर्डिंग ये सारी प्लेट्स में तैयार करना है। तो इस तरीके से हम इसको घेरी प्लेट्स तैयार कर लेते हैं, पूरी पट्टी की इतनी प्लेट्स तैयार करनी है जितनी कि हमारे ठाकुर जी की कमर के हमें चाहिए। तो देखिए देखा आपने मैंने प्लेट्स किस तरीके से तैयार करी है और ये देखिए कपड़े की बात, ये देखिए इसकी ड्रेस की लुक कितनी प्यारी सी आ रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नेफा स्टिच करना है। नेफे के लिए हमें पट्टी कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से ये पट्टी कट कर ली जितनी कि नेफे के लिए चाहिए होती है। तो इसलिए हमें कंट्रास्ट में यहाँ पे पट्टी लगाएंगे, तो हमने कंट्रास्ट का कपड़ा कट कर लिया। मैचिंग भी लगा सकते हैं आप इस तरीके से, कंट्रास्ट भी कोई भी कलर लगा सकते हैं।
तो आइए हम इसको हम स्टिच करेंगे। स्टिच कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने बताया ये हमारे ठाकुर जी की कमर के अकॉर्डिंग होता है और हमें आधा इंच एक्स्ट्रा इसे लेना होता है कि वेलक्रो में जाता है, इसे फोल्ड करने के बाद तो हमें आधा इंच एक्स्ट्रा ही रखना होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे स्टिच कर लेंगे पूरा, उसके बाद फिर फोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर स्टिच करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे निफा स्टिच कर लिया, बहुत ही सुंदर देखते हैं, बहुत ही फिनिश। आप चाहे तो इसको चौड़ा भी रख सकते हैं और इसको पतला भी रख सकते हैं। तो हमें इसको स्टिच करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बिब लगानी है। तो बिब के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए मैंने बिब के लिए कपड़ा कट कर लिया इस तरीके से। मैंने इसको जो ये 2 इंच का इधर से है और ये देखिए इधर से है 2.5 इंच का। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से ऊपर से एक स्टिच कर लेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे और साइड में हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से इसको ऊपर से पका करके स्टिच कर दिया। अब हमें यहाँ पे साइड में पाइपिंग लगानी है, सेम मशीन जो कंट्रास्ट की हम पाइपिंग कट करेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से पट्टी कट कर ली, ये सीधी सीधी पट्टी है, इसमें कोई हमने वो नहीं किया और ये भी पट्टी नहीं है, तो हमने सीधी पट्टी यहाँ पे इस तरीके से कट कर ली और हमने अब यहाँ पे स्टिच करनी है। तो ये 2 पट्टियाँ हैं और ये 1 इंच की पट्टी है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो हम इस तरीके से रखेंगे, यानी कि उल्टी साइड रखेंगे और इसको यहाँ से स्टिच कर देंगे। तो देखिए जैसे कि आपने देखा मैंने इसको किस तरीके से स्टिच किया है। स्टिच करने के बाद इस तरीके से ये जो हमारे बेबी रेडी हो गया, इसका सेंटर और इसका सेंटर, स्कर्ट का सेंटर, दोनों को सेंटर कर लेते हैं। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं पहले, ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और सेंटर, दोनों को सेंटर करने के बाद यहाँ पे इसको स्टिच कर देते हैं। तो देखिए हमने इसको स्टिच कर दिया है, तो बहुत ये देखिए बैक साइड से देखिए और फ्रंट साइड से। तो ये स्टिच करने के बाद अब हमें एक काम और करना है, जैसे कि डोरियाँ खाली इस तरीके से रह जाती है कई बार, तो हम इसको और अच्छे से फिनिशिंग दे देते हैं, बहुत ही सुंदर सा इसको लुक देते हैं, जहाँ कि यहाँ पे इस तरह के यहाँ पर लटकन से स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने तिकोनी पट्टी कट कर ली है और यहाँ पर इसको रखेंगे और इसको भी यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी की ड्रेस रेडी होगी, बहुत ही सुंदर तरीके से। ये देखिए इस तरीके से जो डोरियाँ हैं खाली खाली भी नहीं लग रही, बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए लग रही है ना, बहुत ही प्यारी सी डोरियाँ इसकी। और हमारे ठाकुर जी की कॉटन की ड्रेस बिल्कुल रेडी हो गई है। तो देखिए बहुत ही सुंदर से ड्रेस दोनों की दोनों, देखिए आप कितनी प्यारी लग रही है। एक चीज़ और हमारी है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने वेलक्रो दिखाई, तो मैं यहाँ पर इस पर भी वेलक्रो लगाऊंगी जो कि मैंने आपको दिखाया है। तो इस तरीके से वेलक्रो भी लगा सकते हैं, यहाँ पर टिच भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर टिच लगाएंगे तो बहुत ही इजीली हमारे ठाकुर जी पहन पाते हैं। तो ये देखिए गर्मियों की पोशाक बहुत ही सुंदर सी मैंने आपको बनानी बताई है। तो जब भी हम वेलक्रो लगाते हैं तो ये हमें ध्यान रखना होता है, ये जो हम आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और ये अंदर की साइड दिखाई दे रहा है, ये चीज़ जो भी चीज़ हमारे ऐसे पहनानी होती है, ये जो भी चीज़ ऐसे मैं आपको समझा देती हूँ, बड़ी हम जैसे ठाकुर जी को पहना रहे हैं, ये जो पहना रहे हैं इस तरीके से, ये चीज़ सॉफ्ट वाली होनी चाहिए और ये हार्ड होनी चाहिए, या फिर ऐसे मतलब लगाना चाहते हैं जैसे पहनाने का, किसी का हाथ ये ऊपर जाता है और किसी का ये वाला जाता है, तो हम ऐसे पहनेंगे तो ये सॉफ्ट होगा ये हार्ड होगा। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर ये हार्ड लगाया और ये सॉफ्ट लगाया, तो ताकि ठाकुर जी को ऐसे करने में चुभे ना, तो ये चीज़ हार्ड होती है तो यहाँ पर रहनी चाहिए इस तरीके से, सॉफ्ट सॉफ्ट ऊपर रहनी चाहिए। तो ये देखिए ड्रेस का लुक मैं आपको दिखा देती हूँ, फाइनल लुक कैसा लगेगा ये देखिए।
मैं आशा करती हूँ मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।